हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ये व्लॉग जो है ये है बड़ी दिवाली का, और टाइम इस टाइम पे शाम हो गया। मॉर्निंग से कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं करा था, क्योंकि मैं जो सोच रही थी ना कि हम लोग छोटी दिवाली के दिन बहुत बिजी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी दिवाली के दिन भी हम लोग बहुत बिजी थे। मतलब मैं सोच रही थी कि बड़ी दिवाली के दिन शायद हम लोग इतना बिजी ना रहें, क्योंकि इस छोटी दिवाली में बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने कर चुके थे, लेकिन बड़ी दिवाली के दिन भी बहुत ज़्यादा बिजी थे। क्योंकि देखो मेन डे है ना, मतलब मेन फेस्टिवल जो है दिवाली का, वो उसी दिन था इसलिए। और मम्मी और मैं बहुत जल्दी खाना बनाने लग गए थे आज, क्योंकि फिर क्या होता है थोड़ा सा आते हैं घर में तो इसलिए क्या होता है कि फिर उनके पास साथ भी थोड़ा बैठना पड़ता है, फिर हम लोग किचन में लगे रहें वो भी अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मम्मी और मैंने सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि हम पहले से ही खाना बना के रख देंगे, ताकि कोई भी घर में आए तो थोड़ा सा हम उनके साथ आराम से बैठ सकें। और सिर्फ इसके बाद ये रख देंगे कि आटा गूंदा हुआ रहेगा तो हम लोग पूड़ी भी बना देंगे। तो यहाँ पर वही हम लोग प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, और साथ साथ में बाकी के अपने दूसरे काम है वो भी कर रहे हैं साथ साथ में। मम्मी यहाँ पर जो उड़द की दाल है उसको मम्मी पीस रही हैं, क्योंकि इसकी हमें पकौड़ी बनानी है, तो मम्मी वही काम कर रही है। मैं अपना जो पनीर वगैरह है, जो भी सब्जी हम लोगों ने बनाई थी, वो मैं वो कर रही थी, साथ साथ में अपने दूसरे काम भी करती जा रही थी। और आज है बड़ी दीपावली, तो आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप सभी को विश अ वेरी हैप्पी दीपावली। और अभी टाइम 6:15 बज रहे हैं शाम के, और हम लोग जो है वो डिनर की तैयारी शुरू कर दी है। मतलब क्योंकि फिर बहुत से काम हो जाते हैं, दिया वगैरह जलाना होता है और पूजा वगैरह करनी पड़ती है, और फिर घर में एक दो आते भी हैं गेस्ट बोल लो, या मतलब हमारे पड़ोस की हैं वो आते हैं, तो इस वजह से हम मम्मी ने बोला कि जल्दी सब कुछ कर देंगे। और यहाँ पर मम्मी ने भिंडी की सब्ज़ी चढ़ा दी है, और मैं यहाँ पर पनीर बना रही हूँ, तो उसका मसाला मैंने अभी रेडी कर दिया, गर्म है, उसको मैं थोड़ा सा मिक्सी में चला दूंगी जब भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो यही हम लोग आज बना रहे हैं, और रायता वगैरह कुछ नहीं बना रहे हैं क्योंकि ठंडा हो रहा है, तो फिर आशी लोग भी खाएंगे साथ में ना, इसलिए फिर मैं रायता नहीं बना रही हूँ। सिंपल पूड़ी वगैरह बनाएंगे, पकौड़ी बनाएंगे हम, बड़े जो दाल के बड़े बनते हैं। तो मम्मी ने ये यहाँ पे दाल जो है पीस दी है, और गुलगुले बनाएंगे जो हम हर साल बनाते हैं। तो गुलगुले के मैंने जो सूजी है वो मॉर्निंग में ही भिगा दी थी, क्योंकि जितनी जल्दी इसके लिए सूजी भिगाओ ना उतने अच्छे गुलगुले बनते हैं, तो वो मॉर्निंग में भिगा दी थी दूध के साथ। और अभी देखूंगी उसमें, फिर चीनी वगैरह मैं उसमें अब डालूंगी। तो यही सब बस चल रहा है हमारा। मॉर्निंग से कोई भी जो वीडियो है मैंने स्टार्ट ही नहीं करा, क्योंकि मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा बिजी हो रखे थे। ऐसे बहुत बिजी नहीं, लेकिन अपने कामों में ही बिजी हो रखे थे, इसलिए मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं करा व्लॉग वगैरह। और आज वीडियो भी नहीं गया है क्योंकि एडिट नहीं कर पाई मैं, थोड़ा बैठी थी, फिर उसके बाद फिर ऐसे ही हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैं अब कल आएगा छोटी दिवाली का जो हमारा व्लॉग है ना वो कल आएगा। तो बस हम लोग यही कर रहे हैं, और आप सब की दीपावली कैसे जा रही है आप सब ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है? तो चलिए मैं फटाफट से अपने काम कुम करते हैं, साथ में व्लॉग भी आप लोगों का शेयर करते रहती हूँ। यहाँ पे ये जो सूजी का बैटर है ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है, और यहाँ पे जो दाल है उसको भी अच्छे से फेंट दिया है, और यहाँ पे मम्मी ने आटा गूंदा है। सब्जी हमारी बन गई है भिंडी की, ये देखो यम्मी वाली सब्जी भिंडी की, और यहाँ पे बन रहा है पनीर। तो अभी तो पनीर में मैंने पानी डाला है, इसको बॉईल आएगा, फिर पनीर इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो हमारा खाना जो है लगभग तैयार ही है, और इधर मंदिर की मम्मी अभी वो करेंगी, माला वगैरह लगाएंगी लक्ष्मी जी को, तो अभी पूजा की तैयारी करेंगे हम। यहाँ पे हमारे जो पकोड़े हैं उड़द दाल के वो बनने लगे हैं, टाइम 7:30 बज गया है, और कितना भी जल्दी करो ना तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, बल्कि बहुत जल्दी खाना वैसे हमारा पूरा रेडी है, बस हमें पूड़ी बनानी है बाद में जब हम लोग खाना खाएंगे। और अभी जो है वो बन रहे हैं दाल के बड़े, और गुलगुले बना रही हूँ। मम्मी वहाँ पर जो दिए हैं ना सारे के सारे मम्मी ने दिए जला दिए हैं, और इनको जलाने में भी काफ़ी टाइम जाता है। तो वहाँ पर देखो मम्मी है इधर, ये देखो, तो इधर मम्मी जो है सारे के सारे दिए वगैरह मम्मी ने जला दिए हैं ताकि इजी रहे। हाँ, तो कोई नहीं, मम्मी की थोड़ा सा आपको पता है पैरों में थोड़ा सा मम्मी के दर्द, थोड़ा नहीं दर्द तो काफ़ी रहता है, इसलिए मम्मी थोड़ा पैर ऐसे करके बैठती हैं एक पैर में। हाँ,
तो वहाँ देखो मम्मी ने सारे दिए जला दिए जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से कुछ हम मिल बांट के आप बोल सकते हो काम कर रहे हैं। और आज हमने साड़ी पहनी है तो बहुत कमेंट आते हैं, दीदी आप पूजा के दिन साड़ी नहीं पहनते हो, सूट पहन लेते हो, आंटी भी साड़ी क्यों नहीं पहनती हैं। तो मम्मी तो क्या फिर भी कभी कभी आपने साड़ी में देख लेते हो, मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि टाइम बहुत लगता है। और ये साड़ी मैंने सिर्फ ऐसी बहुत जल्दी पहन ली है, पता नहीं कैसी लगी है, ढंग से लगी भी नहीं है, वो बस पहन लिए कि चलो आज साड़ी ही पहन लेते हैं, लक्ष्मी जी का दिन है आज और हम लोग पूजा करेंगे, अभी आरती करेंगे इसलिए, तो बस इसलिए साड़ी पहन ली मैंने। और ये साड़ी मैं दूसरे टाइम पहन रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने पहनी थी करवा चौथ में बहुत पहले, और अभी सेकंड टाइम पहन रही हूँ। चलो पहन लेते हैं। हाँ तो चलिए फटाफट से काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म बन रहे हैं गुलगुले, गर्मा गर्म गुलगुले और पकौड़ी बनाएंगे, थोड़ी सी बाद में बनाएंगे जब पूजा कर लेंगे क्योंकि अभी पूजा में लेट हो रहा है इसलिए, और दिए भी बाहर रखने हैं अभी इसलिए। तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं गुलाब जामुन की तरह लग रहे हैं। पापा का फोन लग रहा चलिए, तो आशी बहुत देर से वेट कर रही है, मम्मी बाहर आओ तो हम लोग बाहर जाएंगे, थोड़ा दिए जलाते हैं पूजा करते हैं। ये हमारे बुलबुले और साथ में पकौड़े। चलो यहाँ पे मैंने दिए जो हैं वो जला दिए हैं, और साथ में मेरे हस्बैंड ने जो कैंडल्स हैं उन्होंने जला दी है। मम्मी जो है पूजा की तैयारी कर रही हैं, पकौड़े और गुलगुले हमारे बन चुके हैं जो कि मेन होते हैं कि दिवाली पे बनते बनते हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारे दिए जल चुके हैं, और आप बताना मम्मी और मेरी साड़ी, मतलब मम्मी और मैं साड़ी में कैसे लग रहे हैं। मेरी साड़ी तो मत ही बताना क्योंकि मैंने साड़ी पता नहीं कैसे पहनी है, मुझे पता ही नहीं है, ऐसी बस जल्दी पहन ली है, मुझे साड़ी पहनना ऐसे आता नहीं है, और ऊपर से साड़ी थोड़ी सी फुली फुली सी भी है, तो बस जैसा पहना गया। आज मैंने आप सबकी रिक्वेस्ट पे, रिक्वेस्ट बोलो आप लोग बड़े प्यार से बोलते हो, तो मैंने कहा चलो मम्मी आज साड़ी पहन लेते हैं, आज बहुत अच्छा दिन भी है, दीपावली है तो साड़ी पहन लेते हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो बम फोड़ रहे थे, ये वो वाली बम नहीं होते जो एक साथ बार बार फूटते रहते हैं वो हैं, तो ये मैंने आज तक कभी नहीं फोड़े, मेरे हस्बैंड ने भी कभी नहीं फोड़े, तो इनको भी थोड़ा सा वो हो रहा था पता नहीं कैसे फूटेंगे ना, बार बार फोड़ते फोड़ू ना फोड़ू, मैंने कहा चलो फोड़ दो, अब जब लाए रखे हो घर पर, ये बहुत सारे बम ला रखे थे और फर्स्ट टाइम ये लेकर आए, नहीं तो ये हमारे घर में इतने बम आते ही नहीं है, बच्चे बहुत डरते थे इसलिए, इस साल उन्होंने जिद करी पापा लाओ लाओ, तो फिर ये बहुत सारे लेकर आ गए थे, और ये बम देख के मुझे तो डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था अब हमारे ऊपर आ जाएंगे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोग मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा शूट कर देते हैं। तो बस ये हल्की फुल्की सी हम लोगों की दिवाली रही है, मतलब दिवाली तो वैसे काफ़ी अच्छी होती है, लाइटिंग मैंने जैसे आपको पिछले व्लॉग में बताया, मुझे ये जो लाइटिंग होती है ना, दिए होते हैं इनको देखकर बहुत सुकून सा मिलता है, बहुत शांति सी, बहुत अच्छा सा लगता है, इसलिए फेस्टिवल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों को, ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद और हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को, सब परिवार, और ऐसी जगह आते रहे दीप की तरह, सबके खुशहाली आए, लक्ष्मी माता की कृपा आशीर्वाद बने, सुख शांति दे, बस यही दुआ करते हैं। और ये तैयारी कर रहे हैं हम, ये हाँ तो मम्मी ने अब बहुत देर से मम्मी बैठी हो कि दिए जलाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। हाँ बत्ती बनाने में टाइम लगता है ना, जलाने में टाइम लगता है लेकिन बत्ती बनाने में बहुत टाइम लगता है। तैयारी कर दी। हाँ तो मम्मी तब से यही कर रही है, 15-20 मिनट हो गए। कैसे लग रहे हैं? हाँ तो बाहर रखेंगे ये वाले, तो मैं बाहर रंगोली में रखूंगी, ये हम अपने रूम्स में रखते हैं और ये वाले बाहर रखने हैं। और वहाँ रंगोली में मम्मी ने लगा दिए हैं दिए। प्यारे सी आंटी हैं तो हमारे पड़ोस में, और हर साल है मतलब आते ही आते हैं ना, तो अभी आया है तो मम्मी ने बोला चलो मिलाते हैं। बोलो कुछ बोलो आप। आप पूजा के व्लॉग्स देखिए और उसको बहुत 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 सारा सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। सास बहू नहीं है, बिल्कुल माँ बेटी जैसी। वो पिछले दिनों में माँ बेटी रही होंगी। तो भाभी लोग आए हुए, मैं तो मैं मुझे थोड़ा सा ना अपने आप अकेले तो उतना बोल लूँ, लेकिन सामने में आपको शर्म आती है। तो मम्मी ने बोला कि नहीं आ रखे हैं तो मिला देते हैं। मम्मी पहले से ही बोल रही थी कि मिलाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर होता है ना कि अगर पूछ के मिलाओ तो अच्छा लगता है ना, फिर बोलती किसी मुँह में कैमरा लगा वो अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली मैं वैसे बहुत ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन पूछो क्योंकि अगर कैमरा लगाओ ना तो यार कॉन्शियस हो जाते हैं, तब ज्यादा अच्छा नहीं बोल जाता है। हाँ नहीं भाभी मतलब भाभी बहुत बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है। ये पूजा ने पकौड़े बड़े अच्छे बनाए हैं। हाँ तो पकौड़े वगैरह खा लिए। मीठा खा लो। मीठा हाँ, ये सब कुछ सारा कुछ अच्छा है, माँ आगे पीछे भी खाते रहते हैं। हाँ। खुद से आके मांग के आंटी से पूजा करते हैं, ये बना दो तो बन जाता है। तो मतलब भाभी और आंटी ऐसे हैं जो हमारे मतलब दिवाली के टाइम पे जरूर से आते हैं, उनका नहीं होली के टाइम पे जरूर से आते हैं। तो मुझे हाथ लंबा करना पड़ेगा अपना, तो अच्छा ही बहुत लगता है। बिल्कुल हम मतलब ऐसे पड़ोसी हम मानते नहीं है, फैमिली की तरह है बिल्कुल। तो मम्मी आओ ना आप भी। कैमरा किस तरह पहनने पता नहीं चलता है। आप पूजा को बहुत सपोर्ट कीजिए और बहुत प्यार दीजिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। भाभी जी हंस के या कन्वे कर देते हैं जो उनका मैसेज है। और भाभी की सबसे अच्छी बात है हमेशा स्माइली और उनकी भी सबसे अच्छी बात लगती है, वो बहुत मतलब हमारे जो पड़ोसी है बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। और क्या बोलूँ और समझ में नहीं आ रहा है, बस हमारी तारीफों के पुल बांधते रहो बस। तो अच्छा होता है ना उसके साथ बाकी सब भी अच्छी होती है। वो तो है, वो तो नहीं, जैसे क्या बोलते हैं आंटी की जैसा जैसा मन वीडियो बना रहा वो कैसा है उसकी, वही तो मैं कह रही हूँ ना, इसलिए हम सब अच्छे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल तो बात होगी हम अच्छे हैं तभी आप अच्छे, आप अच्छे हो तभी हम अच्छे हैं। हम जब अच्छे होते हैं ना जब अच्छा सही बात है, वो तो है। और क्या, हाँ बोलो मम्मी आप भी कुछ बोलते ना आंटी, जैसी सृष्टि वैसी सृष्टि। लो बोलो वैसी सृष्टि। क्या बोले तो देखिए कि हमारे पड़ोस में क्या है, अपने ही है ना, तो अपना पानी एक परिवार का पड़ोस समाज जो भी एक परिवार है ना, तो परिवार जैसा ही हमारा रहते हैं, ऐसी माहौल बना के रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये लोग आए हैं दीपावली में मिलने हैं तो आते हैं, हर साल आते हैं, तो ये अपना पति अपना प्रेम है, तो ऐसे ही रहना चाहिए सबको है ना, एक परिवार की तरह है ना, तो बहुत अच्छा।
अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात एक और क्या लगती है कि होली हो चाहे दिवाली हो, मम्मी और मैं ना बहुत ही कम हम आते हैं, लेकिन भाभी और आंटी जरूर आते हैं। उनको कभी ये नहीं लगता कि ये लोग नहीं आते तो हम क्यों जाएं, वो जरूर आते हैं। ये तो नहीं लगता कि हम सब सारा बेल हैं। नहीं नहीं, अरे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। होली में ना हम नहाते नहीं तब तक आप लोग नहीं आते, पर क्योंकि हमें पता लगा था देर ना आने के बाद जरूर ना आएंगे। पर हम ऐसे नहीं करते कि अगर ये नहीं आए तो हम क्यों नहीं आया। नहीं नहीं, हां तो वही तो बात बता रही हूं, एक ही बात है। हां और क्या, कोई भी आ सकता है, अगर ये नहीं आए तो हम आ गए और क्या। हां एक ही बात है और क्या। हां तो आपको बताना हमारे प्यारे प्यारे पड़ोसी कैसे लगे आप सबको, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। बाय, हैप्पी दिवाली, बाय। तो अभी मैंने आप सबको मिलाया भाभी और आंटी से, और दोनों ही बहुत स्वीट हैं और बिल्कुल फैमिली मेंबर्स जैसे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हैं। मतलब सिर्फ कहने के लिए पड़ोसी हैं लेकिन ऐसा है नहीं, है बिल्कुल फैमिली की तरह। कभी कुछ भी ज़रूरत हमें उनसे पड़ती है, उन्हें हमसे पड़ती है, तो बिल्कुल बोलते हैं ना हाजिर रहते हैं। तो ऐसा ही सबके साथ पड़ोस में होना भी चाहिए। तो यहाँ पर भाभी और आंटी चले गए थे, उसके बाद यहाँ पर थोड़े से गुलगुले का बैटर रह गया था। मैंने मम्मी को बोला मैं फिर ये बचा रहेगा तो बना देते हैं, तो ये बना देते हैं, उसके बाद हम लोग पूड़ी बनाएंगे और हम लोग फिर डिनर कर लेंगे। और बहुत ही सिंपल वाला डिनर हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो तेल तेल देख के ना बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, खाने का मन नहीं करता है, इसलिए बहुत ही सिंपल हमने डिनर अपना रखा है आज। तो अभी टाइम 10:30 बज गए हैं, आज तो टाइम का पता ही नहीं चला बिल्कुल भी, कब 10 बजे कब 10:30 बजे, तो अभी 10:30 हो गए, बज गए, मतलब 10:30 बज गए हैं। और क्या कर रही है, और ये बच्चे यहाँ शैतानी करने का शुरू हो गया। और आज किचन की हालत बहुत ख़राब, बहुत ही वाली ख़राब है, मतलब ऐसा हो रहा है ना कि कहाँ से शुरू करें, किसको क्लीन करना और कहाँ पे ख़त्म करें, बहुत फैला हुआ है। तो मम्मी और मैं जा रहे हैं डिनर करने के लिए, सबने डिनर कर लिया है, मम्मी और मैं रहते हैं, तो उसके बाद किचन वगैरह साफ करके सोएंगे, क्योंकि आज है शुभ दीपावली, तो दीपावली के दिन पूरा किचन साफ करना चाहिए। वैसे बोलते नहीं है, वैसे करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी आती हैं, फिर झूठे बर्तन और गंदा किचन देखकर वो आएंगी नहीं, इसलिए पूरा क्लीन करके ही सोना चाहिए। तो वो करते करते मुझे 11:30 बज जाएंगे, फटाफट करते हैं। हाँ, और मम्मी भी देखो इधर ही है। हाँ मम्मी, अब क्या करें, मम्मी और मैं आते हैं ब्लॉग में, मेरे बच्चे आते हैं, बस तो इन्हें को दिखाऊंगी बारह में, खूब पढ़ाई आगे। हाँ, ये अपनी फ्रेंड के यहाँ गए थे, वहाँ खूब सारे बम फोड़ कराए, घर में भी अपने पापा साथ बहुत सारे बम फोड़े इन्होंने, और ये हैप्पी हो गए। मम्मी भी इधर है, लो मम्मी तो सब खाना खाते हैं और आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गए, कुछ पता ही नहीं है कब टाइम का, पूरा दिन ऐसे निकल गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबकी दीपावली बहुत अच्छी गई होगी, और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सब पर, हम सब पर हमेशा बना रहे, यही चाहते हैं। और मिलेंगे आप सबसे अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एंड गुड नाइट, है ना। हाँ, है ना।